नित्यानंद राय इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसा परिवार के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज की तरफ अब बढ़ रहा है बिहार, क्या अब आने वाली तस्वीरें जो वहां से निकल कर आ रही हैं, क्या वो उसी तरफ इशारा कर रही हैं? नहीं, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ चुका है जंगल राज की तरफ, आतंक का राज है। जैसा आप बताई कि बदमाशों का तांडव जिस प्रकार से बेगूसराय में हुआ, 10 किलोमीटर तक फायरिंग और दर्जन भर लोग घायल हो गए, उसमें लोगों की मौत भी हुई है और स्वतः पूरा बेगूसराय बंद ही है। जिस दिन से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के गठबंधन की सरकार बनी है, उस दिन से बेगूसराय की घटना हम तत्काल देख रहे हैं। लेकिन रोज कहीं ना कहीं बड़ी बड़दातों को यहाँ आतंक मचाकर उपद्रवियों द्वारा, बदमाश क्रिमिनल्स द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। लोग यहाँ लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, पुलिस FIR नहीं ले रही है और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। उन्होंने बदमाशों को एक तरह से पूरी छूट दे दी है। अपने 15 वर्षों के उस शासन काल को लोग याद करके सहमते थे, अभी इस एक महीने के इस शासन काल में नीतीश जी और तेजस्वी जी के इस शासन काल में लोग एक महीने में इतने सहम चुके हैं कि बिहार से पलायन शुरू हो गया है। यहाँ उद्योग व्यापार करने वाले लोग जो आने वाले थे वह रुक गए हैं और यहाँ से पलायन भी शुरू हो गया है। और तांडव जिस प्रकार से आतंकवादियों का, बदमाशों का जो हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, सड़कों से लेकर गांव से लेकर शहरों तक, आज हमारी माँ बहनें सहमी हुई है, शाम को बाजार जाना बंद कर दी है, घर के लोग अपने महिलाओं को अब स्कूल से लेकर शहर तक भेजने में डर रहे हैं। और जो कल बेगूसराय में हुआ, इतना बड़ा उदाहरण सोचिए कि अभी तक पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है और करने वाले लोग को इतनी छूट दे दी है यह सरकार कि आतंकवादियों का और बदमाशों का जिस प्रकार से यहाँ मनोबल बढ़ चुका है, यह बिहार में तांडव राज, गुंडा राज, अराजक राज, अपराधी राज, जंगल राज, अब जो कहेंगे सब उस संज्ञा इस सरकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मैं कहना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि बिहार के लोग सहम गए हैं, सरकार इन अपराधियों पर कार्रवाई करे। आज बेगूसराय में हमारे माननीय गणराज्य ही पहुंच चुके हैं, लोग वहां स्वतः स्फूर्त बंद भी रखा है और बिहार की जनता जाग गई है, अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी। नित्यानंद जी, बीजेपी की अपनी भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि देखिए 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक कौन है ये पता ही नहीं चल पाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने उतर पड़ती है बीजेपी। नहीं, बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, बिहार की स्थिति को बिहार भी देख रहा है, देश दुनिया सब लोग देख रहे हैं। और चूंकि यह कारण सबसे बड़ा कारण है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है, कार्रवाई करने की कोशिश नहीं कर रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है, संरक्षण उसको दिया जा रहा है। तो जो आज बिहार सरकार का संरक्षण जो अपराधियों को प्राप्त हो रहा है, उसके कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस अपराध प्रवृत्ति और सरकार के उस अपराधियों को संरक्षण देने और अपराधियों द्वारा घिनौने कार्यों को, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो या लूट हो, खसोट हो, डकैती हो, उस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कसकर आज सरकार के खिलाफ करने के लिए, जनता को हक दिलाने के लिए, बिहार को न्याय दिलाने के लिए आप एकदम तत्पर है, हमेशा तत्पर रहिए, आगे भी तत्पर रहेगी, अभी भी तत्पर है। और बड़ी भर्त्सना जितनी की जाए बेगूसराय की घटना की या इस प्रकार के बिहार में हुए सारे घिनौने घटनाओं की, वह कम होगा। नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी को, कि अभी से भी आप अपराधियों को संरक्षण देना बंद कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, बिहार को न्याय दिलाएगी। नित्यानंद जी, आपको क्या लगता है जिम्मेदारी ज्यादा किसकी, क्योंकि देखिए है तो दोनों की ही सरकार, लेकिन नीतीश के साथ तो आपका भी गठबंधन था जेडीयू के साथ, तब ऐसी घटनाएं आप कह रहे हैं नहीं होती थी, क्या आरजेडी को सीधे तौर पर आप जिम्मेदार समझेंगे इस वक्त कि बेखौफ हुए हैं अगर ये गुंडे? दोनों समान रूप से महागठबंधन की सरकार है, यहाँ नीतीश जी भी उतने जिम्मेवार है, तेजस्वी जी भी उतने जिम्मेवार है। और नीतीश जी तो देखे थे 15 वर्षों के शासन काल को और वही कहते थे कि आरजेडी गुंडों की पार्टी है, परिवार की पार्टी तो है ही, जग जाहिर है। और उसी से समझौता करके जो आज गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार में मिल रही है, यह बहुत ही बड़ा अन्याय है।
इस अन्याय से बिहार की जनता अवगत है और सरकार को जवाब देगी। सर, बीजेपी किस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाली है? क्या परिवार के लोगों से भी आप मुलाकात करना चाह रहे हैं या किस तरीके से बीजेपी अब इस पर एक्शन जा रहे हैं? जहां भी घटनाएं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी जा रहे हैं, पार्टी में विधान सभा में हमारे विपक्ष के नेता जा रहे हैं, विधान परिषद में हमारे विपक्ष के नेता जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जितने भी हमारे उपमुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे जितने भी विधायक रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। क्योंकि घटना इतनी बड़ी तादाद में हो रही है, इतनी बड़ी संख्या है कि आज सारे लोग घटनाओं के पास जाते हैं, उन दुखियों से मिलते हैं और उनके परिवार के दुख दर्द को समझते हैं और सरकार पर हम पूरा दबाव दे रहे हैं, सरकार को हम समझा भी रहे हैं, सरकार को हम स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार के अपराध को और अपराधियों के संरक्षण को जो सरकार के द्वारा संरक्षण मिलता है उसको भारतीय जनता पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नित्यानंद जी, आपने कहा संरक्षण, क्या आपको लगता है ये जो बाइक सवार वहां से गुजर रहे थे या जिन्होंने इतनी फायरिंग करते हुए निकल गए इतने किलोमीटर, आपको लगता है बिना संरक्षण के मुमकिन नहीं है? बिना संरक्षण के मुमकिन नहीं है और इतिहास ही है आरजेडी का कि परिवारवाद की पार्टी होकर अपराधियों को संरक्षण देना, और अब उस संरक्षण में नीतीश जी का बर्दस्त भी प्राप्त है, उनका भी हाथ है, अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, औपचारिकता पूरी की जा रही है। आप कई घटनाएं ऐसी आई है जहां माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया है, पुलिस FIR नहीं ले रही है, तो वहां जाकर हमारे प्रतिपक्ष के नेता को जाना पड़ा FIR कराने के लिए, भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो यह बहुत भयावह स्थिति बिहार की हो गई है, इससे बिहार का विकास भी बाधित हो रहा है और फिर वही माहौल, गुंडा राज का माहौल पूरे बिहार में व्याप्त हो गया है। सर, ये देखिए बीजेपी एक पार्टी के तौर पर विरोध जता रही है, गिरिराज सिंह भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो राजनीतिक आरोप बीजेपी पर लगता रह रहा है वो अलग, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बिहार में है, क्या केंद्रीय एजेंसियां भी कोई लगाम लगाएंगी या सिर्फ बयानों और सिर्फ वहां पहुंचकर संवेदना जताने के अलावा बीजेपी का इस पर भी कोई स्टैंड होगा, केंद्रीय एजेंसियां इस पर कुछ कदम उठाएंगी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर यह राज्य का विषय होता है, आप जानते हैं कि भारत की इस संवैधानिक व्यवस्था में राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, जिम्मेदारी यह राज्य की है, लेकिन राज्यों से हम अनुरोध जरूर करते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि जहां भी इस प्रकार की अराजक राज पैदा होता है, जहां भी गुंडा राज स्थापित होते हैं, अपराध बढ़ते हैं, अन्याय होते हैं, माँ बहनों के साथ बलात्कार की घटना से लेकर उनके साथ छेड़खानी, हत्या, बलात्कार, डकैती, इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर बाधित होती है, तो केंद्र सरकार जरूर राज्यों के पास सुझाव भेजते हैं कि आप इसको नियंत्रित करें, इस पे लगाम लगाए, अपराधियों पे कार्रवाई करें, ऐसा सुझाव जाता है केंद्र का हमेशा, केंद्र की ओर से। जब आप बिहार की स्थिति वही है, की स्थिति को देखते हुए सर, कोई सुझाव या कुछ ऐसा केंद्र की तरफ से कदम उठाया गया है क्या? मैं उनको सुझाव भी दे रहा हूँ, मैं उनको सलाह भी दे रहा हूँ, उनसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि अपराधियों पर लगाम लगाए, कार्रवाई करे, राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है, जिस कर्तव्य से बिहार सरकार विमुख हो गई है उस पर हम कहना चाहेंगे राज्य सरकार को कि अपराधियों पर कार्रवाई करे, अपराध पर लगाम लगाए, यह राज्य की ड्यूटी है, यह राज्य का कर्तव्य है। सर, अभी देखिए गैंगस्टर पर आप डोजर तैयार किया गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर तैयारी हो रही है केंद्र सरकार की, NIA की, लेकिन यहाँ क्या बिहार में भी ऐसी स्थितियां बनेंगी? आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, NIA वहां जाती है जहाँ जो मुद्दे या तो एक राज्य से दूसरे राज्य का होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है, देश के संप्रभुता से जुड़ा होता है, लेकिन इस प्रकार की घटना जो अपराधियों द्वारा राज्यों में होता है, जो बिहार राज्य में भी हो रहा है, यह राज्य सरकार के कर्तव्य के अंतर्गत है, लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार की हत्या, बलात्कार इस प्रकार की है, इसलिए हम राज्य बिहार राज्य का यह कर्तव्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को इस पे सोचना चाहिए, उन लोगों को कार्रवाई करना चाहिए, हम उनसे सलाह भी दे रहे हैं, उनसे हम अनुरोध भी कर रहे हैं, और जो केंद्र की एजेंसियां है जरूरत पड़ने पे जाती है, एजेंसियों को केंद्र एजेंसी किन किन विषयों को लेगी इसके नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके बिंदु तय है, उस हिसाब से केंद्र की एजेंसी जाती है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं अभी घट रही है बिहार राज्य में, यह राज्य सरकार के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर है और इस यह लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है जो राज्य सरकार को तत्परता से इससे निपटनी चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो बकायदा बता रहे थे कि किस तरीके से गुंडा राज बिहार में बढ़ रहा है, बीजेपी का आगे क्या स्टैंड रहेगा वो भी वो बता रहे हैं। हालांकि गिरिराज सिंह वहां पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर परिवार वालों से भी वो मिल सकते हैं।